साल 2018 में तकनीक एक नए मुकाम पर है। टेक कंपनियों में एक से बढ़कर एक मोबाइल लॉन्च करने की होड़ मची है। अभी तक हमने बड़ी स्क्रीन और बेहतरीन फीचर से लैस मोबाइल फ़ोन देखे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब फोन्स का लुक और डिज़ाइन सब कुछ हटके था। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ इस वीडियो में दुनिया के 5 ऐसे अनोखे और अजीबोगरीब डिज़ाइन वाले फ़ोन जिन्हें आप में से बस कुछ ही % लोग देखे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला फ़ोन है नोकिया 7600। नोकिया द्वारा साल 2003 में लॉन्च किया गया ये फ़ोन एक छोटी डिब्बी की तरह दिखता था। मार्केट में इसको लेकर फ़ोन लवर्स में कोई खास उत्साह नज़र नहीं आया, इसलिए कंपनी ने कुछ समय बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। इस फ़ोन में 2 इंच की स्क्रीन और 29 MB की इंटरनल स्टोरेज दी गई थी। हमारा दूसरा फ़ोन है तोशिबा Z450। जापान की कंपनी तोशिबा ने इसे 2008 में लॉन्च किया था। इसका आकार और बनावट अजीब थी, जिस कारण इसे रेयर फ़ोन की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। तोशिबा वैसे तो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मेकर के तौर पर जानी जाती है, लेकिन फ़ोन जगत में इसका ये प्रयोग लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस फ़ोन का डिस्प्ले टाइप मोनोक्रोम ग्राफिक्स था और इसे 160 MB की आंतरिक मेमोरी दी गई थी। तीसरा फ़ोन है नोकिया 7280। नोकिया हैंडसेट पर नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, लेकिन उसका ये प्रयोग लोगों के मन पर छाप नहीं छोड़ सका। नोकिया का ये फ़ोन किसी भी एंगल से देखने पर मोबाइल जैसा नहीं लगता था। 2004 में आया ये फ़ोन कुछ समय बाद ही अपनी मार्केट में वैल्यू ख़त्म कर चुका था। इसमें 700 mAh की बैटरी लगी थी और साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 0.3 MP का कैमरा भी दिया गया था। चौथा फ़ोन है सोनी एरिक्सन जेलो। 2 इंच की स्क्रीन साइज और 3 MP के कैमरे के साथ आने वाले सोनी के इस फ़ोन में गजब के स्पीकर लगे थे। म्यूजिक प्रेमियों की पहली पसंद था ये फ़ोन। स्लाइडर स्टाइल वाले इस फ़ोन की डिज़ाइन बाकी फ़ोन से अलग थी। ये फ़ोन जावा OS पर रन करता था। पांचवा फ़ोन है माइक्रोमैक्स A60। लंबे समय से मार्केट से दूर माइक्रोमैक्स के इस फ़ोन में बड़ा सा नेविगेशन बटन दिया गया था। 600 MHz का प्रोसेसर छोटे गेम्स को रन कर लेता था। इसमें 3G सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों, इसकी बनावट के कारण इसे हथेली में आसानी से कैरी किया जा सकता था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।